हेलो एवरीवन वेलकम टू आईएफएस तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको पेपर वन में कितना स्कोर करना चाहिए अगर आप यू जी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका अगर हम आंसर के बारे में बात करते हैं तो सिंपली ये डिपेंड करता है कि आपका सबसे पहला टारगेट क्या है जैसे आपको पता होगा कि अगर हम यू जी एग्जाम को अपेयर करते हैं एग्जाम में अपेयर होते हैं तो फिर यहां पे दो आउटकम होता है मेनली आपका टारगेट हो सकता है कि यू आर टारगेटिंग द असिस्टेंट प्रोफेसरशिप या फिर यू आर टारगेटिंग दे आर एफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप तो अगर हम ये टारगेट के बारे में बात करते हैं तो सिंपली आपको पता होगा कि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो तो मेनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कट ऑफ जाता है वो डेफिनेटली लोअर एंड में जाता है एंड जो जे आर एफ है उसका जो कट ऑफ रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर से अराउंड योर एट टू टेन परसेंट मिनिमम हायर एंड में रहता है तो अगर मैं बात करूं एक रैंडमली एक कट ऑफ के बारे में अगर मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बात करूं तो फिर सिम्पली मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी बारे में ही बात कर रहा हूँ बाकी कैटेगरी में तो और भी कम होता है लेकिन जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है तो अगर आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास फिफ्टी परसेंट जा रहा है कट ऑफ कोई भी सब्जेक्ट में तो वहाँ पे जे में आपके पास अराउंड सिक्सटी जाता है कट ऑफ क्योंकि पी के लिए Uh, जो कटअप जाता है आप, uh, आपका हर एक सेशन uh, में तो सिंपली दैट डिपेंड्स अपन कि आपके जो यूनिवर्सिटी है उसमें कितने सारे सीट्स अवेलेबल है अगर ज्यादा सीट है तो कटअप थोड़ा सा कम हो सकता है अगर बहुत ही कम सीट्स उस सेशन में अवेलेबल है तो फिर सिंपली वहाँ पे थोड़ा सा हायर कट ऑफ जा सकता है तो अराउंड योर सिक्स परसेंट स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं ओवरली दोनों को मिला के उसमें से भी जे के लिए ओनली वन परसेंट स्टूडेंट्स या फिर लेस देन वन परसेंट स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं तो आपको बताऊंगा ये सिंपल

तो सिंपली आपको देखना है कि अगर हम बात करते हैं इस वीडियो में ओनली पेपर वन के ही बारे में क्योंकि पेपर वन जो है सारे के सारे स्टूडेंट्स uh, के लिए फिर सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन रहता है कि पेपर टू आपके पास सब्जेक्ट ही पेपर होता है तो फिर पेपर टू में चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट से बिलोंग करो देखो स्टूडेंट्स काफी ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि सर हमारा पेपर टू सब्जेक्टिव पेपर है हम काफी अच्छा मार्क उसमें कर सकते हैं तो फिर हम पे, हमें पेपर वन पढ़ने की इतना जरूरत है नहीं या फिर पेपर तो जनरल सही पेपर रहता है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं वो तो हम ऐसे ही कर लेंगे लेकिन नहीं ये पहला पहले टाइम का सीनेरियो था जहाँ पे पेपर वन का जो लेवल था तो काफी काइंड ऑफ इजी टू मॉडरेट लेवल था वो लेकिन वो अभी डे डे बायप्रूव हो रहा है एंड करेंटली जो सिचुएशन है मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ पेपर वन का लेवल हर साल जो भी एग्जाम हो रहा है वो इनक्रीज होता जा रहा है ठीक है तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे सिंपली आपको पेपर को इग्नोर नहीं करना है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं एंड ड्यू टू दिस रीजन उनका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई नहीं हो पाता है तो इसलिए आपको सबसे पहले तो पॉइंट ये है आपको पेपर वन को इग्नोर नहीं करना है अगर नहीं करना है तो डेफिनेटली आप आपको सिंपली सारे के सारे यूनिट वहां पे प्रिपेयर करना है तो कोई भी आप यूनिट प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई भी पेपर को प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए आपको टारगेट सेट करना होगा जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया अगर आपका टारगेट है असिस्टेंट प्रोफेसर सीप तो वहाँ पे अगर आपको अराउंड 50% परसेंट आपका कट जा रहा है आपके सब्जेक्ट में दैट विल वैरी फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बट फिर भी मैं एक ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ यहाँ पे अगर आपका टारगेट है असिस्टेंट प्रोफेसर सीप तो फिर डेफिनेटली एंड ऐसा भी मत सोचो कि अगर आपका 50% परसेंट टारगेट जा रहा है कटअप जा रहा है आपको टारगेट 50 परसेंट नहीं करना है अगर आपने 50 परसेंट टारगेट किया कभी भी आप फिफ्टी परसेंट सिक्योर नहीं कर पाओगे हमेशा आपको हाई टारगेट रखना है ज्यादा टारगेट रखना है मिनिमम टेन परसेंट अगर आपका फिफ्टी परसेंट जा रहा है तो आप सिक्सटी परसेंट टारगेट करो अगर सिक्सटी आपका जेआरएफ में जा रहा है तो फिर आप सेवेंटी टारगेट करो तो उसके हिसाब से अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो अगर आपका असिस्टेंट प्रोफेसरशिप अगर आपके पास टारगेट है तो फिर सिंपली आपका कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप एटलीस्ट एक थर्टी फाइव से फोर्टी क्वेश्चन मैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ थर्टी फाइव से फोर्टी क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए परसेंटेज में वही सेवेंटी टू एट्टी परसेंट सेवेंटी परसेंट से लेकर के एट्टी परसेंट आपको पेपर वन में स्कोर करना पड़ेगा आप बोलोगे सर पेपर वन में इतना स्कोर हम क्यों करें क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला ऑलरेडी ये दिस शुड बी योर टारगेट ये आपका टारगेट होना चाहिए जो आप टारगेट करते हो अगर अचीव होता है तो बहुत ही अच्छी बात है नहीं तो थोड़ा बहुत डेफिनेटली कम ही होता है क्योंकि जैसे मैंने बोला अभी जो भी पेपर सेट होते हैं एन टी यूसी नेट में तो सिंपली उनका जो पैटर्न है काफी ज्यादा चेंज हो गया है एंड काफी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं तो सिंपली इसके लिए आपको ये तो टारगेट होना चाहिए अगर आपने इतना टारगेट किया तभी जाके कि आप 60, 65 स्कोर कर सकते हो अगर आपने 60, 65 टारगेट किया तो फिर 45, 50 के आसपास आ जाएगा तो जो कि आपके क्वालिफाई होने के चांसेस को काफी कम करता है एंड आपका जो पेपर टू है ठीक है पेपर टू के बारे में तो यहाँ पे हम बात ही नहीं करेंगे बट फिर भी पेपर टू में आप कितना भी आपका सब्जेक्ट पेपर हो आप उसमें वही फिफ्टी सिक्सटी परसेंट तक ही वहां पे आप स्कोर कर सकते हो या फिर मैक्सिमम तो मैक्स सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट स्कोर कर सकते हो अगर आपका टारगेट जे आर एफ है तो

ऑन एवरेज सारे सब्जेक्ट के लिए बताया होप आपका जो भी एम है लाइक इफर टारगेटिंग योर एपी या फिर जे आर एफ आप यही एम के कोशिश करो इसके साथ साथ पेपर टू जो है जैसे मैंने बोला ना ये डिपेंड करता है आपके कॉट ऑफ आप के ऊपर कि आपके जो चार लास्ट फोर फाइव टाइम्स आपके जो एग्जाम हुए हैं आप एक बार उनका कट ऑफ को एनालिसिस करो कि एक रेंज क्या निकल के आ रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर 50 है तो फिर आप सिक्सटी परसेंट के हिसाब से टारगेट करो अगर सिक्सटी परसेंट है तो आप सेवेंटी परसेंट के हिसाब से टारगेट करो तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपन योर सब्जेक्ट बट जैसे मैंने बोला चाहे आपका पेपर टू तो कोई भी सब्जेक्ट हो पेपर वन में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा एंड अच्छा स्कोर करने के लिए आपको इतना तो टारगेट करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी पेपर का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो ये था मेरे साइड से सेजेशन uh, आप लोगों के लिए डेफिनेटली आपको ये वीडियो आई थिंक पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर uh, कीजिए जो आपके यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड ऐसे अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बताइए हम कोशिश करेंगे उस वीडियो उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आने की सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो एंड अंटिल यू मीट अगेन हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स